राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अजंता क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणतंत्र दिवस स्पेशल कान्हा जी की पोशाक लेकर आई हूँ। पोशाक बनाने के लिए 3 प्लाई की ऊन और 11 नंबर के क्रोशे की आवश्यकता होगी। आज हम आपको कान्हा जी के लिए तिरंगा पोशाक बनाना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं पोशाक बनाना। पोशाक बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑरेंज कलर लेंगे। देखिए, ऑरेंज कलर का फंदा बनाएंगे। फंदा बनाने के बाद हम कंधा चैन बनाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। कंधा चैन बन गई है, चाहे तो आप गिन सकते हैं। कंधा चैन बनाने के बाद हम 3 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। आप वीडियो में देखिए, यहाँ पे हमारी 15 चैन पूरी हुई है। हम यहाँ पे अपना अंगूठा रख देंगे। अंगूठा रखने के बाद 3 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 3 चैन एक्स्ट्रा बनाने के बाद इन 3 चैनों को छोड़कर जो हमारी 4थी चैन है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। देखिए, आप वीडियो में देखिए, इसी तरह से हमें जितनी भी हमने चैन बनाई है सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, आप वीडियो में देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं डबल क्रोशिया। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी रो बनाएंगे। दूसरी रो बनाने के लिए सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे और फिर ये जहाँ पे हमने 3 चैन बनाई है उसी फंदे में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदे क्यों बनाते हैं? जो हमारी 3 फंदे की लंबाई है और जो हमारी डबल क्रोशिया की भी लंबाई है वो दोनों सेम होगी, इसलिए हम पहले 3 चैन बनाते हैं और फिर डबल क्रोशिया। पहले हमने 15 चैन बनाई थी, उसके बाद हमने 15 चैन के ऊपर 15 ही बार डबल क्रोशिया बनाई। हर एक फंदे में से एक बार डबल क्रोशिया बनाया है और 3 चैन, इस तरह से हमारी 16 डबल क्रोशिया हो गए। 16 डबल क्रोशिया बनने के बाद जब हम दूसरी लाइन बनाएंगे उसमें हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाए, तो इस तरह से हमारे 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार बनाएंगे। 16 दूनी 32, यानी हमारे पास सेकंड लाइन में 32 डबल क्रोशिया होंगे। आप वीडियो में देखिए, दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। तीसरी लाइन बनाने के लिए सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगले फंदे में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पहले 3 चैन बनाई थी उसे भी डबल क्रोशिया के में गिनेंगे। इसका मतलब 2 डबल क्रोशिया और एक ही फंदे में से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल सिंगल और तीसरे फंदे में से फिर से एक ही फंदे में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरह हमें अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करनी है।
लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ लाइन बनाएंगे। फोर्थ लाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट कलर यूज करेंगे। पहले हमने व्हाइट कलर का एक फंदा बना लेंगे और उसे अपने ऑरेंज कलर वाले फंदे से अटैच कर लेंगे। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं हम किस तरह से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम पहले तीन चैन बनाएंगे और फिर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में देखिए कैसे बनाना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तीसरी लाइन में हमारे 40 डबल क्रोशिया हैं। अब चौथी लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने तीन चैन बनाई और फिर पांच डबल क्रोशिया बनाए। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद 10 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और जो 11वां डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम वाइट रंग से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह लगातार 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमें तीसरी लाइन के 10 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं और जो 11वां डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे तो ये हमारे एक ड्रेस का हाथ बन जाएगा। इसी तरह से जब हम 10 डबल क्रोशिया पूरे बना लेंगे उसके बाद फिर से तीसरी लाइन के 10 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और बाकी बचे हुए डबल क्रोशिया में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं हमें किस तरह से करना है। चौथी लाइन पूरी हो गई है। अब हम पांचवी लाइन बनाएंगे। पांचवी लाइन बनाने के लिए सबसे पहले वही तीन चैन बनाएंगे और फिर वाइट रंग से हमने जितने डबल क्रोशिया बनाए थे उन्हीं के ऊपर एक एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बनाना है। दोस्तों वैसे तो आप ये पोशाक जो है वो सिंगल कलर में ही बना सकते हैं पर हम तिरंगा पोशाक बना रहे हैं। ये रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल ड्रेस है तो इसलिए हमने जितने रंग हमारे झंडे में आते हैं हमने उसी के हिसाब से अपनी ड्रेस में लगाए हैं। सबसे पहले हमारे झंडे में केसरिया रंग आता है तो हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज किया है और फिर वाइट और फिर इसके बाद ग्रीन कलर यूज करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें ये बहुत ही सुंदर पोशाक है।
पांचवी लाइन पूरी करने के बाद छठी लाइन भी हम पांचवी लाइन की तरह ही कंप्लीट कर लेंगे। छठी लाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए अभी हमारी चोली तैयार हो गई है। अब हम इसका घेर बनाएंगे। अगर आपको डबल क्रोशिया बनाना सीखना है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डबल क्रोशिया, चैन स्टिच, ट्रिपल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच सिखाया है। आप वहां से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप कान्हा जी की सिर्फ चोली बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाई है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। घेर बनाने के लिए हम यहाँ पे हरे रंग का यूज करेंगे। हमने हरा रंग लिया है और उसका एक देखिए नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के बाद उसे व्हाइट कलर के नॉट से अटैच कर लेंगे। ये अटैच करने के बाद हम फिर से तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद हर एक डबल क्रोशिया में से हमें दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने जिस फंदे में से पहले डबल क्रोशिया बनाया था उसी फंदे में से हमें एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि हमारे पास 20 डबल क्रोशिया थे, उनके ऊपर हमें हर एक में से दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस हिसाब से घेर की पहली लाइन में हमारे पास 40 डबल क्रोशिया होंगे। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखें हमें किस तरह से डबल क्रोशिया बनाना। पोशाक की घेर की पहली लाइन पूरी हो गई है। देखिए लाइन पूरी हो गई है। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी लाइन बनाने के लिए पहले तीन चैन बनाएंगे और हमने जितने भी डबल क्रोशिया बनाए थे उन सभी के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, हमने अपने पहली लाइन में जितने डबल क्रोशिया बनाए थे उन सभी के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। घेर की दूसरी लाइन पूरी हो गई है। अब हम नीचे फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए अब हम यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज करेंगे जो हमने अपनी ड्रेस में पहले यूज किया था। ग्रीन कलर में ऑरेंज कलर को ऐड कर लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे डबल क्रोशिया में हम लगातार तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही फंदे में से बनाना है हमें तीन बार डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल चैन बनाएंगे। सिंगल चैन बनाने के बाद उसी फंदे में से हमें तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है।
और फिर दो डबल क्रोशिया छोड़कर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने एक ही फंदे में पहले तीन बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर सिंगल चेन बनाई और फिर से उसी फंदे में तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, देखिए आप एक बार फिर से देखिए, हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें दूसरे डबल क्रोशिए में तीन बार लगातार डबल क्रोशिया बनाना है एक ही फंदे में से, फिर सिंगल चैन बनाएंगे और उसी डबल जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाए थी उसी फंदे में से हमें फिर से तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के जो दूसरा डबल क्रोशिया है उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, और ऐसा ही करते करते हमें अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ये वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम अपनी फ्रिल बना रहे हैं। फ्रिल पूरी हो गई है, अब हम यहाँ पे व्हाइट रंग यूज करेंगे। देखिए ऑरेंज कलर के ऊपर हम अपना व्हाइट रंग यूज करेंगे। व्हाइट रंग को ऑरेंज कलर की नॉट में अटैच कर लेंगे और फिर से यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद हमने जो तीन बार डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर हम दो बार, देखिए हर एक में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने पहले तीन बार डबल क्रोशिया बनाया था, हम उनके ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ पे हमने एक सिंगल चैन बनाई थी उस चैन में से हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल चैन बनाएंगे और फिर से उसी फंदे में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो पहले से तीन डबल क्रोशिया बने हुए हैं उनके ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था हम उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं हमें कैसे करना है।
आइए एक बार फिर से देखते हैं। ऑरेंज कलर में जो हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए थे उन पर वाइट रंग से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो एक सिंगल चैन बनाई थी उसमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और उसी फंदे में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ऑरेंज कलर से जो बचे हुए 3 डबल क्रोशिया हैं उन पर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं हमें कैसे करना है। ऐसे ही करते हुए हमें वाइट रंग की पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सफेद रंग की लाइन पूरी हो गई है। अब हम यहाँ हरा रंग जोड़ेंगे। वाइट रंग जो है हमारा उसका जो फंदा है उसमें हम हरा रंग जोड़ लेंगे और फिर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद जैसे हमने सफेद रंग की फ्रिल बनाई है उसी तरह हमें हरे रंग की भी फ्रिल बनानी है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं। व्हाइट रंग के जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे, एक एक बार जो डबल क्रोशिया बनाया है उनके ऊपर हम हरे रंग से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमने बीच में एक चैन ली थी सिंगल चैन उस चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल चैन बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसी फंदे में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे बनाना है। और उसके बाद जो डबल क्रोशिया बचे हैं उन सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे बनाना है। ऐसे ही करते हुए हमें अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हरी लाइन पूरी हो गई है। अब हम यहाँ पे ऊन को काट के देखिए बची हुई ऊन को फंदे में से निकाल देंगे, और इस तरह से हमारी यहाँ पे एक गांठ लग जाएगी। देखिए गांठ लगाने का बहुत आसान तरीका है, हम बची हुई ऊन को कट कर देंगे
और इनमें गांठ लगा के हम पीछे की तरफ क्रोशे की सहायता से अटका देंगे। देखिए आप वीडियो में देखिए हम कैसे अटकाएंगे इन्हें, जिससे हमारी ऊन के एक भी धागा ड्रेस में नहीं दिखेगा। हमारी फ्रिल कंप्लीट हो गई है। अब हम ब्लू कलर लेंगे और जो हमने व्हाइट कलर वाली लाइन बनाई थी, फ्रिल वाली जो लाइन बनाई है, उसमें अब हम जैसे हमारे तिरंगे में चक्र आता है उसकी तरह ही हम अपनी व्हाइट कलर की लाइन में डॉट्स बनाएंगे। देखिए जो हमारे मिडल में जो दो डबल क्रोशिया हैं उनमें से पहले डबल क्रोशिया में हम अपना क्रोशिया डालेंगे और जो पीछे ब्लू कलर की ऊन है उसको लेकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसे स्लिप स्टिच से यहीं पे फिक्स करेंगे। उसके बाद फंदे को बड़ा करेंगे और क्रोशिया फंदे में से निकालते हुए ड्रेस के पीछे की साइड से जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है जहाँ से हमने अपनी डॉट बनाई है उसमें से पिरोकर उस फंदे को नीचे की तरफ खींच लेंगे। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं हमने अपने फंदे को नीचे की तरफ खींच लिया है और अब हम इसमें 10 चैन बनाएंगे और फिर दूसरी फ्रिल जो बनी है हमारी, देखिए जो दूसरा डिजाइन बना है फ्रिल का, उसमें से जो मिडिल में जो दो क्रोशिये मिडिल में आ रहे हैं उसमें से पहले वाले क्रोशिये में ऊपर से क्रोशिया डालेंगे। देखिए ऊपर से क्रोशिया डालेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में ध्यान से देखें, ऐसे ही करते हुए हमें अपनी पूरी फ्रिल की जो लाइन है उसे कंप्लीट करना है। आप ध्यान से देखें तो जो ये हमने डॉट लगाई है, इस डॉट को लगाने से हमारी जो तिरंगा डिजाइन है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों ये ड्रेस हमारी फ्रंट ओपन है तो इसलिए हम फ्रंट में बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर सफ़ेद रंग की ऊन को ऐड करेंगे, जहाँ पे हमने ग्रीन कलर की ऊन को एंड किया था वहीं पर हम अपनी वाइट कलर की ऊन को सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऐड करेंगे और जो कॉर्नर वाली लाइन है उनमें जहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिया बनाया है या हमने तीन चेन बनाई हैं उन सब में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में
में देख सकते हैं हमें किस तरह से बॉर्डर बनाना है। हम यहाँ पर पहले व्हाइट रंग की ऊन से बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद हम व्हाइट कलर की ऊन के ऊपर हम फिर से ग्रीन कलर की लाइन का एक और बॉर्डर बनाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें हमें किस तरह से बॉर्डर बनाना है। जैसा हम बॉर्डर हम फ्रंट साइड बनाएंगे वैसा ही बॉर्डर हमें दोनों आस्तीनों में भी बनाना है। देखिए आप ध्यान से देखें। अब हम अपनी ड्रेस की डोरी बनाएंगे। डोरी हम नीले रंग से बनाएंगे। देखिए हमने पहले ऊन को एक गोला करा और गोल करने के बाद उसमें तीन चैन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चैन बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए आप वीडियो में देखें 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने सबसे स्टार्टिंग में तीन चैन बनाई थी वहां पर उसे ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच लगाते हुए। स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम उसमें चैन स्टिच बनाएंगे। चैन स्टिच हम अपने ड्रेस के घूमों के अकॉर्डिंग बना लेंगे। आप कम से कम 40 चैन स्टिच बना लें। देखिए आप वीडियो में ध्यान से देखें 40 चैन स्टिच बनाने के बाद हम अपनी ड्रेस में क्रोशिए को पिरोते हुए दूसरी साइड से जो हमने ऊन की डोरी बनाई है उस डोरी का जो फंदा है उसे खींचते हुए दूसरी साइड ले आएंगे, क्योंकि एक तरफ हमने फंदना बना लिया है अब हमें दूसरी तरफ फंदना बनाना है। तो अगर हम पहले फंदना बना लेंगे तो हमारी डोरी ड्रेस के अंदर पिरेगी नहीं, इसलिए हम एक तरफ फंदना बनाने के बाद उसे डोरी को ड्रेस में पिरो लेंगे और दूसरी साइड जैसे हमने पहले फंदना बनाया था वैसे ही दूसरी साइड भी फंदना बना लेंगे। देखें आप वीडियो को ध्यान से देखें हमें कैसे क्या करना है। दोस्तों आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अब हम अगली वीडियो में क्या बनाएं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
हमारी तिरंगा पोशाक तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।